दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगह हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी हैं। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर एक, ब्लड फॉल्स, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की अधिकता है जो पानी को लाल रंग का बना देता है। हालांकि ये लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर दो, मैग्नेटिक हिल, माउंटन न्यू ब्रंसविक। ये मैग्नेटिक हिल अपने आप में बेहद खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। ये जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी एक ऐसी ही मैग्नेटिक हिल है। मैग्नेटिक हिल, गाड़ी न्यूट्रल पे है और चल रही है। नंबर तीन, मुराकी पत्थर, न्यूजीलैंड। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित कोई कोहे बीच पर 12-12 फीट के पत्थरों का ढेर किसी अजूबे से कम नहीं है। ये पत्थर दिखने में सीप और मोती की तरह हैं। इन पत्थर नुमा संरचनाओं का निर्माण लाखों सालों में किसी जीवाश्म या ठोस चीज के चारों ओर समुद्री रेत के जमने से हुआ है। ऐसी संरचनाएं विश्व में कई जगह पाई जाती हैं, पर यहाँ पर यह संरचना सबसे बड़े आकार में पाई जाती है। नंबर चार, लॉन्गियर बियन, नॉर्वे। स्वालबार्ड अंटार्कटिका सागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता। रात हो या दिन, सूरज हमेशा दिखता रहता है। नंबर पांच, पमुकले, तुर्की। तुर्की के पमुकले में स्थित यह जगह अपने आप में ही एक अजूबा है। यहाँ पर 17 प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग है। यह प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से है। इन झरनों के पानी में स्थित खनिजों के बाहरी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है, जिससे इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट स्प्रिंग्स में पानी का तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है। क्योंकि इस तरह के प्राकृतिक गर्म पानी में नहाना हमारे शरीर और त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद रहता है, इसलिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। नंबर छह, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, ऑर्चर्ड पार्क, न्यूयॉर्क। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ जल कैसे रही है। शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहां चट्टानों के बीच मीथेन गैस निकलती है। संभवतया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी, तभी से ये लगातार जल रही है। भारत में भी हिमाचल के कांगड़ा में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वाला जी के मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निरंतर काल से जल रही हैं। नंबर सात, मूविंग स्टोन्स, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूर्व से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी ज्यादा पत्थर हैं, हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते नहीं देखा। सदियों से ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसकते मिले हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल तक अध्ययन किया। केरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने केरिन को लगभग 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। नंबर आठ, ओल्ड फेथफुल, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क में
दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक गीजर मिलते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी का फव्वारा होता है, जिसमें पानी जमीन के अंदर से एक फाउंटेन के रूप में निकलता है। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी का फव्वारा है। इसमें नियमित रूप से विस्फोट होता रहता है, लेकिन इनमें होने वाले विस्फोटों का मिजाज आज तक भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इनमें होने वाले विस्फोटों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। नंबर 9, रिलेम्पैगो डेल काटाटुम्बो, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे मारा केबो लेक है। इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज आवृत्ति से बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई और अक्टूबर है। इस दौरान यहाँ हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के पास से गुजरने वाले अक्सर इस नज़ारे को देखते हैं और इसका आनंद भी उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।